ये शाम को फ्रेंड कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट लेके आया हूँ। इस वेबसाइट में आपको मैं इमेज से कैसे टैक्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी या OCR कह सकते हैं आप इमेज से कोई भी टैक्स इजीली ग्रैब कर सकते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इस वेबसाइट में और भी फीचर है, लेकिन ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ वीडियो के ऊपर। ये वेबसाइट खोल के रखी थी, मैं अब तक आपको दिखा सकूं। वेबसाइट का नाम है prepostseo.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर प्लेजरिज्म चेक करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग टूल है, टेक्स्ट समराइज है। जो लोग आर्टिकल या ब्लॉगिंग का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छी वेबसाइट है। ग्रामर चेक भी कर सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, रैंडम एड्रेस जनरेटर भी है इसके अंदर है अगर आप करना चाहें तो। इमेज टू टेक्स्ट जिसके लिए बेसिकली वीडियो बन रही है, और ताकि आपको उसका सारा फंक्शन दिखा सकूं मैं। बाइनरी ट्रांसलेटर और मतलब बैक लिंक मास्टर, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे आप चेक करना चाहें तो प्लेजरिज्म चेक को भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आपको यहीं पे रन टाइम पे आपको प्लेजरिज्म के बारे में बता देगा, और आर्टिकल रीराइट करना वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मेरी आज की वीडियो है इमेज टू टेक्स्ट के मुताबिक, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ इमेज टू टेक्स्ट के मुताबिक। इमेज टू टेक्स्ट को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सामने आपको ये चीज ओपन हो जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी एक इमेज लेके रखा था, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि इमेज मैंने कहाँ से लिया है। गूगल पे आकर सिंपल मैंने टेक्स्ट इमेज टाइप किया। टाइप करने के बाद सबसे जो मुश्किल जो मुझे लगा है, सबसे इसका फॉन्ट भी डिफिकल्ट हो और टेक्स्ट इजी रीडेबल ना हो, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कितने आसानी से ये इमेज से टेक्स्ट को ग्रैब करता है। ये इमेज आई, इस इमेज को मैंने राइट क्लिक करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं दोबारा वेबसाइट पे आता हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने भाई वेट किया, मैं डेस्कटॉप पे रखा हुआ था। जैसे ही करता हूँ आपके सामने ये अपलोड होगा कि इमेज जो जो, जो कि मैं आपको गूगल पे दिखा चुका हूँ, और सबमिट पे के बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद छोटी सी वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन करने के बाद ये कन्वर्ट करे। कन्वर्ट करने के बाद विद इन सेकेंड्स आपको सारा टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली इमेज है, देखिए आपके सामने शो भी कर रहा है। ये PNG फाइल है, देखें JPG भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जब आपकी PNG ही फाइल होगी, JPG भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट भी कॉपी कर लें, डाउनलोड कर लें, टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं डाउनलोड। इसको वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड फॉर्म में मिल जाएगी आपको। अगर खाली टेक्स्ट चाहिए आपको, ये देखिए खाली टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट भी आपको देखें ना इजिली एडिटेबल है। आप चाहें तो कॉपी कर लें, कॉपी कर कहीं से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। सारा टेक्स्ट आपके पास इजिली आ गया। इस टेक्स्ट को आप उठा सकते हैं, उठा के कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। और चाहे तो वर्ड में कन्वर्ट कर लें। वर्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो डॉट की फाइल बन जाएगी। अगर चाहते हैं टेक्स्ट फाइल में चाहिए तो आपको टेक्स्ट फाइल भी मिल जाएगा। और यहाँ से अगर टेक्स्ट को इजीली कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे इमेजेस हैं, आप चाहें तो कोई भी इमेज को ले सकते हैं। ये तो मैंने एक रफ इमेज लिया है आपको समझाने के लिए कि बेसिकली ये मुश्किल इमेज लिया है मैंने, ताकि आपको बता सकूँ कि टेक्स्ट कितना इजिली उठा सकते हैं। इस तरह आपका कोई भी ऐसा इमेज हो जिससे आपको टेक्स्ट उठाना चाह रहे हो, तो ये वेबसाइट बेस्ट है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट के और भी फीचर हैं, आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताए। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।